हेलो दोस्तों, वेलकम टू फैक्ट कॉपी। दोस्तों, जिस तरह मीटियोराइट्स गिरने पर एकाएक डायनासोरस की पूरी प्रजाति विलुप्त हो गई, अगर वैसे ही कोई मीटियोराइट या किसी बीमारी की वजह से इंसानी सभ्यता पृथ्वी से गायब हो जाए तो क्या होगा। वैसे तो ऐसा होने की संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो हमारी पृथ्वी पर क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फॉसिल फ्यूल से चलने वाले सभी पावर सोर्सेस कुछ ही घंटों में काम करना बंद कर देंगे। इतनी जबरदस्त कंजक्शन की कमी के कारण न्यूक्लियर रिएक्टर भी काम करना बंद कर देंगे। अगले कुछ ही दिनों में अंडरग्राउंड टनल और मेट्रो में पानी भर जाएगा, फिर वहाँ बिना पंप के हवा की निकासी नहीं रहेगी और वे भी बंद हो जाएंगे। फिर लगभग एक महीने बाद न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए डाला गया पानी भी भाप बनकर उड़ जाएगा। तब उन सब में हिरोशिमा में गिराया गया एटम बम से भी बड़ा धमाका होगा, जिसके रेडिएशन से कई सालों तक जानवर भी कैंसर से मरते रहेंगे। अगले 30 साल बाद सभी शहरों पर दोबारा पेड़ पौधे अपना कब्जा करने लग जाएंगे और एक बार फिर से जंगल का राज आ जाएगा। करीब 50 साल बाद धरती का तापमान भी ठंडा होने लगेगा, हवाएं भी साफ होने लगेंगी और प्रदूषण का असर बिल्कुल खत्म होने लगेगा। साथ ही दुबई और लॉस वेगस जैसे शहर दोबारा रेत में बदलने लगेंगे। अगले 300 साल बाद धातु से बनी चीजें भी टूटना शुरू कर देंगी, चाहे वो एफिल टावर हो या लोहे का पुल या फिर सारे बिल्डिंग और पानी के बांध, सब टूट जाएंगे और नदियां अपने पुराने बहाव के साथ बहने लगेंगी। अगले 10,000 साल बाद इंसानों की निशानियां सिर्फ पत्थरों की कलाकृतियों तक ही रह जाएंगी और अगले 5 से 10 लाख सालों में पृथ्वी पर फिर से खनिजों का भंडार जमा हो जाएगा। फिर 1 करोड़ साल बाद इंसानों के सबूत सिर्फ टूटे कांच के टुकड़े और पॉलीथीन जैसे नष्ट न होने वाली चीजों से ही बचेंगे और करीब 3 से 5 करोड़ साल के बाद तो यह भी नहीं बचेंगे। तब नए जीव जो उस समय तक अपनी दिमाग की शक्ति विकसित कर लेंगे, उनके पास कोई सबूत नहीं होगा कि उनसे पहले भी कोई सभ्यता थी या नहीं। कुदरत हमारे बगैर भी अच्छे से फल फूल जाएगी, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि उनके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे।